रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। हरिओ नम पार्वतीपते हर 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 महादेव शिवाय। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज कथा के छठे दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे कल हमने कथा को कहां विराम किया। मेरे प्रभु विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर की तरफ चले, अहिल्या का उद्धार किया है, जनकपुर में आए, जनक जी से मिलना हुआ और जनक जी ने ले जाके मेरे प्रभु और मुनि को सुंदर सदन में ठहराया है। मुनि विश्राम कर रहे हैं, विश्वामित्र जी राम जी पास में बैठे हैं, पर लखन जी जब से आए हैं लखन के मन में बड़ी उत्सुकता है जनकपुर को देखने की। इसलिए लखन पास से उठे और झरोखे यानी खिड़की से बाहर की तरफ देखा है। पहले लंबी दूरी में देखा, देखते 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 जैसे ही लखन जी की ऐसे नजर नीचे हुई तो नीचे बालक खड़े थे। ये बालक जब राम जी जनक जी के साथ में नगर के भीतर आए तो राम जी को रथ पे बैठे देखा तो राम जी का परिचय प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे राम जी के रथ का पीछा करते हुए यहां आ गए। ये लोग वहां खड़े ही थे, लखन जी से उनकी नजर मिली और नजरों में ही लखन जी को बालकों ने इशारा किया कि आप नीचे आ जाओ। लखन जी ने कहा क्यों, तो बालक कह रहे हम आपसे मित्रता करेंगे। लखन जी ने कहा फिर, तो कहा हम आपको हमारा नगर घुमाएंगे। लखन ने कहा मेरी भी इच्छा है नगर घूमने की पर आ नहीं सकता। लखन जी हाथों से इशारा कर रहे हैं और बालक भी इशारा कर रहे हैं। लखन के ऊपर मेरे प्रभु की नजर पड़ी, लखन जी को इशारा करते देखा, राम जी धीरे से उठ के लखन जी के पास गए और जाके कहा अरे भाई ये तू सांकेतिक भाषा में किसको इशारे कर रहा है। लखन जी ने कहा देव नीचे बालक खड़े हैं, वो हमको कह रहे हैं आप आ जाओ हम आपको नगर घुमाएंगे। मैं जाऊं? राम जी ने कहा नहीं। लखन ने कहा क्यों? राम जी कहने लगे
अगर तू चला जाएगा अकेला तो नगर तो हमको भी देखना है, पर हम किसके साथ जाएंगे। दोनों भाई आपस में बातें कर ही रहे थे और विश्वामित्र जी की नजर पड़ी। मुनि ने हमारे प्रभु से पूछा कि राघव, ये दोनों भाई धीरे धीरे क्या बतिया रहे हो? तो ही मेरे प्रभु ने ये पूछा, विश्वामित्र जी ने स्नेह से प्रेम से कहा, राघव आज हमें पता चल गया तुम वास्तव में नीति और प्रीति दोनों में परिपूर्ण हो। कस न राम राखो तुम नीति, तुम क्यों नहीं रखोगे नीति? ये दो किनारे हैं महाराज, नीति और प्रीति। जहां प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता, और जहां नियम होता है ना वहां प्रेम नहीं होता। ध्यान रखिएगा, नियमों में प्रेम नहीं होता, वहां तो महाराज ऐसे 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 नहीं, प्रेम में कोई नियम नहीं है। पर तुम दोनों में परिपूर्ण हो, ये दोनों किनारे हैं, पर हे राघव तुम दोनों को जोड़ने वाले हो। इसलिए यहां विश्वामित्र जी ने मेरे प्रभु को एक नया नाम दिया, धर्म सेतु। तुम धर्म के सेतु हो, धर्म सेतु पालक तुम ताता, के प्रेम विवश सेवक सुख दाता। सेवकों को भक्तों को सुख देने वाले हो, नीति और प्रीति दोनों में परिपूर्ण हो, आप पुल हो, दोनों को जोड़ने वाले हो। राघव मैं भी चाहता हूं कि आप नगर देख के आए। राम जी ने कहा, गुरुदेव लखन के नगर देखने की इच्छा है, लखन के साथ में मेरा भी मन हो सके, पर आप क्यों चाहते हैं कि हम नगर देखने जाएं? विश्वामित्र जी कहने लगे, लखन देखना चाहता है, हो सकता आपकी भी बन जाए इच्छा, पर हम तो इसलिए चाहते हैं, जाय देखई आऊ नगर सुख निधान दो भाई। आप नगर देख के आओगे ये तो आपकी इच्छा पूरी हुई, पर हम इसलिए भेज रहे हैं कि सुफल करहूं सबके नयन, के सुंदर बदन देखा। ये जो जनकपुर के लोग हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, इन्हें कम से कम सगुण स्वरूप का दर्शन तो कराओ। देखिए भक्ति को प्राप्त करना है, ईश्वर को अगर जानना है, तो एक भक्ति का क्रम बढ़िया है। तुलसी जी ने समन्वय करवाया है निर्गुण और सगुण का मानस में। ये जो निर्गुण निराकार उपासक होते हैं, सीधा अगर निर्गुण ब्रह्म को पाने की कोशिश करोगे तो महाराज बड़ा टेढ़ा काम है। पर हम आपको इतना जरूर कहें कि अगर आपका पूर्ण प्रेम है उस सगुण साकार में, और अगर आप उसको प्रेम से जपते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप स्वतः ही सगुण से निर्गुण की तरफ चले जाओगे। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। निर्गुण का मतलब यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर है। पर वो हमारे अंदर कब आएगा? जब ये नेत्रों से महाराज वो छवि हृदय में उतरेगी तब अंदर आएगा, अन्यथा आएगा नहीं। वो महसूस करना बड़ा मुश्किल है। दूध के अंदर घी है, पर ऐसे दूध में घी हमें दिखेगा नहीं। दूध में अंगुली घुमाए महाराज नहीं दिखेगा घी। उस घी को निकालने के लिए दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर महाराज ठंडा करके जमाना पड़ेगा, फिर वह जो दही होगा उस दही को बिलोना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो माखन आएगा उसको अलग से हटाना पड़ेगा, और फिर उसे पुनः गर्म करना पड़ेगा, तभी वह घी बनेगा महाराज। सीधा घी नहीं मिलेगा। सीधा घी चाहोगे तो वो घी तो आएगा दूध के ऊपर से। आजकल वैज्ञानिक तकनीक से क्रीम निकाल देते हैं, पर वो क्रीम वाला घी
न तो उतना पौष्टिक होता है और न ही उतना स्वादिष्ट होता है जो महाराज विधि से बनाया हुआ होता है। माता यहां होशियारी करती है, घर में दूध आता है 4-5 किलो, 2-3 किलो, बड़े घर है उनके, घर में 2-3 किलो दूध तो आता ही है, तो दूध गर्म करती है तो मलाई आती है ना, उसको निकाल देती है, निकाल के भगोली में डाल के रख देती है फ्रीजर में, 5-10-15 दिन की मलाई इकट्ठी हुई, फिर उसको बिलो यार घी बनाया, बस करती है ना आप लोग। पर उस घी का जो स्वाद है, और एक दो आप दही जमा के जो बिलोना करके घी खाओगे उसका स्वाद, उसमें रात दिन का अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो जनकपुर के लोग हैं, देखिए प्रभु ने कैसी लीला की है, आप कभी विचार कीजिए। ये जनकपुर के लोग सब ज्ञानी हैं और अवध के लोग ये सब भक्तिवान हैं, तो उन भक्तिवानों के यहां तो ज्ञान आ गया और इन ज्ञानियों के यहां भक्ति आ गई। महाराज जानकी भक्ति है और हमारे राघव ज्ञान है, तो महाराज वहां भक्ति वालों के यहां तो राम जी आए हैं ज्ञान रूपी, और ये जो ज्ञानी हैं इनके यहां भक्ति आई है, इनको भी तो पता चले वो सगुण साकार कैसा है। जाओ दर्शन कराओ अपने स्वरूप का, इनकी आंखों को लाभ दो, जैसे ही गुरु ने आज्ञा दी है। मेरे प्रभु लखन को लेके नीचे आए, बालक खड़े थे, बालकों से मंत्रणा हुई, बालकों ने कहा नगर देखोगे, राम जी ने कहा हां, और बालक लेके चले। तुलसी बाबा बोले देखन नगर भूप सुत आए, राजा के पुत्र नगर देखने को आए हैं। जैसे ही जनकपुर के लोगों को यह समाचार मिला, वो बालकों ने दौड़ के जाके नगर में सूचना दी कि जल्दी करो, ऐसे दो सुंदर राजकुमार आए हैं कि न तो कहीं सुना और न कहीं देखा, ऐसी सुंदर। जो ही यह बालकों के द्वारा बात सुनी है, माता पिता परिजनों ने सबके सब लोग दौड़े हैं। दौड़ने का भाव कैसा बताया है कि धाये धाम काम सब त्यागी, के मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे किसी गरीब बस्ती में जाके कोई यह कहे कि बार चौराहे पे एक धनी सेठ हजार हजार नोटों की बरसात कर रहा है, तो क्या वो गरीब लोग झुंगी झोपड़ी वाले रोटी वगैरह खाके आएंगे? बोलिए नहीं आएंगे। जो काम हाथ में है उसको वहीं छोड़ेंगे और भागेंगे कि 2-4-10 नोट मिल गए तो कम से कम 2 महीने का राशन पानी तो बन ही जाएगा। गरीब व्यक्ति को अगर धन मिल जाता है तो वो कैसे दौड़ता है, वैसे ही पूरे जनकपुर के लोग दौड़े हैं। निधि को लूटने महाराज क्यों न दौड़े, जिस ईश्वर को पाने के लिए मनु शत्रुपा को 28,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी, विश्वामित्र जैसे महात्मा को जाचक पढ़ना पड़ा, आज वह परमात्मा घर बैठे दर्शन देने आया है, क्यों दौड़ेंगे? यहां बालक भी है, पुरुष भी है और नारी भी है, तीनों लोग आए राम जी को देखने के लिए। पर तुलसी जी ने बड़ा सुंदर विभेद किया है, पुरुषों ने मेरे प्रभु के दर्शन जरूर किए हैं पर परिचय नहीं प्राप्त किया, बालकों ने दर्शन किए राम जी के, परिचय भी प्राप्त किया, और बालक जैसा कह रहे हैं वैसा मेरा प्रभु कर रहा है। तीसरा, जनकपुर की नारी वर्ग, जनकपुर की नारी ने मेरे प्रभु के दर्शन किए और परिचय प्राप्त किया। अब देखिए तीनों का फर्क कितना है, पुरुष कौन है, नारी कौन है और बालक कौन है। पुरुष ज्ञान है, ज्ञान में जीव ईश्वर का दर्शन कर सकता है पर परिचय नहीं प्राप्त कर सकेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा बालक, बालक कौन है, सहज भक्त है, बालक सहज होता है, बालक को छल नहीं आता,
बालक को छल और कपट कौन सिखाता है? बोलिए, अभी नहीं बोलेगी। बालक को छल और कपट महाराज मां सिखाती है। सबसे बड़ा पहला गुरु मां ही है, ध्यान रखिएगा। उसे मालूम नहीं, दो बहनें पास पास में रहती थी, बहुत बड़ा प्रेम था आपस में। घर का काम पूरा हुआ और जैसे 11-12 बजते एक के घर बैठ के बड़ी 2-3 घंटे तक, क्या होता है आपको मालूम है, बातें करनी। ये नित्य का नियम था। एक दिन संयोग से जाड़े का समय था, यही सर्दी थी, तो जिसके यहां बैठ के, जिस सहेली के यहां बैठ के दोनों बतियाती थी, उसके सास ससुर किसी कार्यवश दूसरे नगर गए, दूसरे गांव गए, और इतवार था, रविवार की छुट्टी थी, मौसम भी ठंडा था, तो उसने सोचा क्यों ना हलवा बनाया जाए। सोचा हलवा बनाएंगी, खाएगी तो ये पड़ोस वाली भाभी जी आएगी, हलवा भी खाएगी और बाहर जाके मोहल्ले में कहेगी कि बेचारे सास ससुर घर से बाहर गए और पीछे बहू हलवा बना बना के खा रही है, तो ही खराब। तो अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा पप्पू एक काम कर, बाहर जाके बैठ जा, गेट के बाहर बैठ जा, वो पड़ोस वाले चाची जी आए ना, आंटी जी का, उनको कह देना मेरी मम्मी घर नहीं है, मैं ना अपने हलवा बना रही हूं। फिर मां बेटा दोनों हलवा खाएंगे। वो लड़का बाहर बैठ गया, समय होने पे आंटी जी को तो आना ही था। जैसे ही घर में प्रवेश करने लगे, वो बाल, ए, अंदर ना जाइए, मेरी मम्मी घर नहीं है। अरे तेरी मम्मी कहां गई? ए, मेरी मम्मी हलवा बना रही है। उस बेचारे को क्या मालूम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बालक सहज होता है, उसे छल कपट नहीं। और जो सहज भक्त होते हैं वो महाराज जैसा कहते हैं मेरा परमात्मा वैसा ही करता है। जैसे शबरी जी, अब शबरी को मालूम नहीं है कि ये जो बैर में चख के दे रहे हूं ये झूठे हैं। उसे ये मालूम होता तो थोड़ी खिलाती, पर बैर को उठाती हैं, चखती हैं और कहती हैं, प्रभु ये मीठा ये आप खा लीजिए, और मेरा प्रभु खाता है। कोई कहे कि महाराज भगवान ने कैसे खा लिए, मैं आपसे पूछता हूं, माताओं से, इन लोगों का तो काम कम पड़े का पड़ता होगा, बाकी आप लोगों का काम पड़ा ही है, और आप मुझे हाँ ही कहेगी। आपका बेटा जो बचपन में बिल्कुल छोटा बालक होता है, 1.5 साल 2 साल का, और उस बालक को आप टॉफी दें, चॉकलेट दें, वो बालक चॉकलेट खाएगा, मुंह में है उसके, और खाते खाते वो आपकी गोद में, माँ की गोद में सोए सोए उसको माँ पे इतना दुलार आएगा कि वो बेटा क्या करेगा, खाते खाते चॉकलेट को मुंह से निकालेगा और माँ के मुंह में देगा। देता कि नहीं देता? माँ क्या कहेगी? ये थोड़ी कहती है तेरा झूठा, तेरा झूठा थोड़ी खाऊंगी मैं। नहीं, वो बेटा जैसे ही माँ को ट्रॉफी देगा, माँ बड़ी प्रेम से उस ट्रॉफी को खाएगी। खाती है कि नहीं खाती है, बोलिए। क्योंकि उस बालक को मालूम नहीं है कि ये मेरा झूठा है, ये उस बालक का प्रेम है। और इसी प्रेम से वो जो सवरी खिला रही है, मेरे प्रभु खा रहे हैं, क्योंकि सवरी सहज भक्त है। देखिए सबरी जी को तो हुए लाखों वर्ष हो गए, राम जी को अवतरित हुए लाखों वर्ष हो गए, पर इस कली काल के अंदर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, आज से 450 वर्ष पूर्व मारवाड़ के अंदर एक नारी भक्त हुई, जिस ठाकुर जी को आप 56 भोग लगाते हो, खाली पाटे पे रखते हो, ठाकुर जी के सामने पर्दा करके फिर गटागट हम ही करते हैं, ठाकुर जी नहीं आके खाते हैं। उस कन्हैया को बैठे हुए मंदिर के अंदर बाहर निकाल के मारवाड़ का प्रसिद्ध बाजरे का खींच खला खिला दिया महाराज। खिलाया कि नहीं खिलाया? किसने खिलाया? कर्मा भाई। अब वो सहज ही तो थी, पुजारी जी ने कह दिया कि कर्मा बेटी मैं तो तीर्थ करने जा रहा हूं, तू मेरे ठाकुर जी की पूजा करेगी? कर्मा ने कहा हां कर दूंगी। कैसे करनी है बाबा?
तो संत ने कहा पुजारी जी ने कि बेटी सुबह है ना उठ के झाड़ू लगा देना, फिर भगवान को पानी दे देना, उसके बाद में भगवान को दूध दे देना, फिर दोपहर में भोजन बना के लाके भोजन करवा देना, भोजन रख के पर्दा कर देना, जब भगवान भोजन कर ले तो बाद में शयन करवा देना, फिर शाम को और भोजन करवा देना, ऐसे पूजा करना कर देगी। कर्मा बाई ने कहा कर दूंगी। अब पुजारी जी सुबह की पूजा करके नित्य कर्म करके और निकले जाते समय कर्मा से कहा कि बेटी सुबह की पूजा तो हमने कर दी पर हम जल्दी में चल रहे हैं, तुम भगवान को भोग लगा देना। उस बिचारी को मालूम नहीं था कि भगवान के आगे रख के पर्दा करके फिर ताली बजा के ले लेना चाहिए, नहीं उसे मालूम नहीं था। वो थाली भर के रसोई लेके गई, भगवान के सामने रखा और कहा ए कनाई ले आ भोजन कर। अब भगवान कहां से आने वाले। एकन नगर भूप सुत आए, राजा के पुत्र नगर देखने को आए हैं। जैसे ही जनकपुर के लोगों को यह समाचार मिला, वो बालकों ने दौड़ के जाके नगर में सूचना दी कि जल्दी करो, ऐसे दो सुंदर राजकुमार आए हैं कि न तो कहीं सुना और न कहीं देखा, ऐसी सुंदर। जो ही यह बालकों के द्वारा बात सुनी है, माता पिता परिजनों ने सबके सब लोग दौड़े हैं। दौड़ने का भाव कैसा बताया है कि धाये धाम काम सब त्यागी के मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे किसी गरीब बस्ती में जाके कोई यह कहे कि बार चौराहे पे एक धनी सेठ हजार हजार नोटों की बरसात कर रहा है, तो क्या वो गरीब लोग झुंगी झोपड़ी वाले रोटी वगैरह खाके आएंगे? बोलिए नहीं आएंगे। जो काम हाथ में है उसको वहीं छोड़ेंगे और भागेंगे कि दो चार दस नोट मिल गए तो कम से कम दो महीने का राशन पानी तो बन ही जाएगा। गरीब व्यक्ति को अगर धन मिल जाता है तो वो कैसे दौड़ता है, वैसे ही पूरे जनकपुर के लोग दौड़े हैं। निधि को लूटने महाराज क्यों न दौड़े, जिस ईश्वर को पाने के लिए मनु शत्रुपा को 28,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी, विश्वामित्र जैसे महात्मा को जाचक पढ़ना पड़ा, आज वह परमात्मा घर बैठे दर्शन देने आया है, क्यों दौड़े। या बालक भी है, पुरुष भी है और नारी भी है, तीनों लोग आए राम जी को देखने के लिए। पर तुलसी जी ने बड़ा सुंदर विभेद किया है, पुरुषों ने मेरे प्रभु के दर्शन जरूर किए हैं पर परिचय नहीं प्राप्त किया। बालकों ने दर्शन किए राम जी के, परिचय भी प्राप्त किया, और बालक जैसा कह रहे हैं वैसा मेरा प्रभु कर रहा है। तीसरा, जनकपुर की नारी वर्ग, जनकपुर की नारी ने मेरे प्रभु के दर्शन किए और परिचय प्राप्त किया। अब देखिए तीनों का फर्क कितना है, पुरुष कौन है, नारी कौन है और बालक कौन है। पुरुष ज्ञान है, ज्ञान में जीव ईश्वर का दर्शन कर सकता है पर परिचय नहीं प्राप्त कर सकेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा बालक, बालकों ने सहज भक्त हैं, बालक सहज होता है, बालक को छल नहीं आता। बालक को छल और कपट कौन सिखाता है, बोलिए, अभी नहीं बोलेगी। बालक को छल और कपट महाराज मां सिखाती है, सबसे बड़ा पहला गुरु मां ही है, ध्यान रखिएगा, उसे मालूम नहीं। दो बहनें पास पास में रहती थी, बहुत बड़ा प्रेम था आपस में। घर का काम पूरा हुआ और जैसे 11-12 बजते एक के घर बैठ के बड़ी 2-3 घंटे तक क्या होता है आपको मालूम है, बातें करनी। ये नित्य का नियम था। एक दिन संयोग से जाड़े का समय था, यही सर्दी थी, तो जिसके यहां बैठ के, जिस सहेली के यहां बैठ के दोनों बतियाती थी उसके सास ससुर
किसी कार्यवश दूसरे नगर गए, दूसरे गांव गए, और इतवार था, रविवार की छुट्टी थी, मौसम भी ठंडा था, तो उसने सोचा क्यों ना हलवा बनाया जाए। सोचा हलवा बनाएगी, खाएगी तो ये पड़ोस वाली भाभी जी आएगी, हलवा भी खाएगी और बाहर जाके मोहल्ले में कहेगी कि बेचारे सास ससुर घर से बाहर गए और पीछे बहू हलवा बना बना के खा रही है, तो ही खराब। तो अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा पप्पू एक काम कर, बाहर जाके बैठ जा, गेट के बाहर बैठ जा, वो पड़ोस वाले चाची जी आए ना, आंटी जी का, उनको कह देना मेरी मम्मी घर नहीं है, मैं ना अपने हलवा बना रही हूं। फिर माँ बेटा दोनों हलवा खाएंगे। वो लड़का बाहर बैठ गया, समय होने पे आंटी जी को तो आना ही था। जैसे ही घर में प्रवेश करने लगे, वो बाल, ए, अंदर ना जाइए, मेरी मम्मी घर नहीं है। अरे तेरी मम्मी कहाँ गई? ए, मेरी मम्मी हलवा बना रही है। उस बेचारे को क्या मालूम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बालक सहज होता है, उसे छल कपट नहीं, और जो सहज भक्त होते हैं वो महाराज जैसा कहते हैं मेरा परमात्मा वैसा ही करता है। जैसे शबरी जी, अब शबरी को मालूम नहीं है कि ये जो बैर में चख के दे रहे हूं ये झूठे हैं, उसे ये मालूम होता तो थोड़ी खिलाती, पर बैर को उठाती हैं, चखती हैं और कहती हैं, प्रभु ये मीठा ये आप खा लीजिए, और मेरा प्रभु खाता है। कोई कहे कि महाराज भगवान ने कैसे खा लिए, मैं आपसे पूछता हूं, माताओं से, इन लोगों का तो काम कम पड़े का पड़ता होगा, बाकी आप लोगों का काम पढ़ाई है, और आप मुझे हाँ ही कहेगी, आपका बेटा जो बचपन में बिल्कुल छोटा बालक होता है, 1.5 साल 2 साल का, और उस बालक को आप टॉफी दें, चॉकलेट दें, वो बालक चॉकलेट खाएगा, मुंह में है उसके, और खाते खाते वो आपकी गोद में, माँ की गोद में सोए सोए उसको माँ पे इतना दुलार आएगा कि वो बेटा क्या करेगा, खाते खाते चॉकलेट को मुंह से निकालेगा और माँ के मुंह में देगा। देता कि नहीं देता? माँ क्या कहेगी? ये थोड़ी कहती है तेरा झूठा, चक तेरा झूठा थोड़ी खाऊंगी मैं, नहीं। वो बेटा जैसे ही माँ को टॉफी देगा, माँ बड़ी प्रेम से उस टॉफी को खाएगी। खाती है कि नहीं खाती है, बोलिए? क्योंकि उस बालक को मालूम नहीं है कि ये मेरा झूठा है, ये उस बालक का प्रेम है, और इसी प्रेम से वो जो सवरी खिला रही है मेरे प्रभु खा रहे हैं, क्योंकि सवरी सहज भक्त है। देखिए सबरी जी को तो हुए लाखों वर्ष हो गए, राम जी को अवतरित हुए लाखों वर्ष हो गए, पर इस कली काल के अंदर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, आज से 450 वर्ष पूर्व मारवाड़ के अंदर एक नारी भक्त हुई, जिस ठाकुर जी को आप 56 भोग लगाते हो, खाली पाटे पे रखते हो, ठाकुर जी के सामने पर्दा करके फिर गटागट हम ही करते हैं, ठाकुर जी नहीं आके खाते हैं। उस कन्हैया को बैठे हुए मंदिर के अंदर बाहर निकाल के मारवाड़ का प्रसिद्ध बाजरे का खींच खला खिला दिया महाराज। खिलाया कि नहीं खिलाया? किसने खिलाया? कर्मा बाई ने। अब वो सहज ही तो थी, पुजारी जी ने कह दिया कि कर्मा बेटी मैं तो तीर्थ करने जा रहा हूं, तू मेरे ठाकुर जी की पूजा करेगी? कर्मा ने कहा कर दूंगी, कैसे करनी है बाबा? तो संत ने कहा, पुजारी जी ने, कि बेटी सुबह है ना उठ के झाड़ू लगा देना, फिर भगवान को पानी दे देना, उसके बाद में भगवान को दूध दे देना, फिर दोपहर में भोजन बना के लाके भोजन करवा देना, भोजन रख के पर्दा कर देना, जब भगवान भोजन कर ले तो बाद में शयन करवा देना, फिर शाम को और भोजन करवा देना, ऐसे पूजा करना, कर देगी? कर्मा बाई ने कहा कर दूंगी। अब पुजारी जी सुबह की पूजा करके, नित्य कर्म करके और निकले, जाते समय कर्मा से कहा कि बेटी सुबह की पूजा तो हमने कर दी, पर हम जल्दी में चल रहे हैं, तुम भगवान को भोग लगा देना। उस बिचारी को मालूम नहीं था कि भगवान के आगे रख के पर्दा करके फिर ताली बजा के ले लेना चाहिए, नहीं उसे मालूम नहीं था। वो थाली भर के रसोई लेके गई, भगवान के सामने रखा और कहा, ए कन्हैया ले आ भोजन कर।
अब भगवान कहां से आने वाले? कर्मा कहने लगी, अरे बाबू गयो छे गाम, ए दूजा संभलाए गयो, ए पूजा मारे सू काई आट जी। अरे कर्मा मारो नाम, अरे ओही तो मारो गाम के बेटी जात की। अरे प्रभु तेरा पुजारी है ना, तीर्थ करने गया है, और ये तेरी पूजा मुझे संभला के गया है, मुझसे कोई तेरा वैर तो है नहीं, मैंने ऐसा तो कोई तेरा गुना किया नहीं। तेरे पुजारी कह के गए थे कि तुझे भोजन करवाना, अब ले तू ला के रख दिया, अब खाना। भगवान आए नहीं। कर्मा ने एक बार नहीं अनेक बार आग्रह किया, फिर भी जब भगवान नहीं आए तो कर्मा दुखी होके मेरे प्रभु की चौखट पे सर पटक पटक के रोने लगी। ऐसी मुझसे क्या गलती होगी रे कन्हाई। कर्मा को इस तरीके से रोते देखा और उस मूर्ति के अंदर से हमारे कन्हाई बाहर निकले और हाथ पकड़ा, अरे क्या करिए कर्मा। कर्मा ने कहा तो इतनी देर क्यों नहीं आए? भगवान कहने लगे हम गैया चरवाने गए थे। तो कहा खाओ, भगवान ने वो भोजन किया। कहा अब भोजन कर लिया, देख सुबह का भोजन शाम हो गई, क्योंकि सुबह रखा था, आए नहीं तो रोते 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 शाम हो गई। तो कहा शाम हो गए, अब शाम को किया, अब रात को नहीं दूंगी, अब जो सो जाना, मेरे काम और है। दूसरे दिन सुबह हुआ, कर्मा उठ के मंदिर में गई है। कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, अरे कर्मा उठे सिना दिक कीना। मारवाड़ के लोग पहले रोजाना स्नान नहीं करते थे, जो पुजारी लोग होते थे ना, जो पूजा करनी है ना, वो ही करते थे। कभी कभी वो भी छुट्टी मार जाते थे, झंड होता तो महाराज कान धोया, मारवाड़ में कावते धोया कौन हुई ही नोन महाराज, बस एक इधर छपकार एक इधर छपा, हरिओम 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 ओम पवित्र पवित्र। कर्मा को पुजारी जी कह के गए थे कि बेटी नाके फिर मंदिर में जाना, तो कर्मा ने क्या किया? अरे कर्मा उठे सिना दिक कीना, के मंदिरी जाये बोहारा लीना। कर्मा उठे सिना दिक कीना, मंदिरी जाये बोहारा लीना। मंदिर में जाके झाड़ू लगाया, फिर भगवान को कहा ले ए, उठ जा कन्हाई, बहुत नींद ले ली। भगवान उठे, गिलास भर के पानी दिले, कुल्ला करके आ। भगवान कुल्ला करके आए तो कर्मा वापस गई और जाके क्या लाई? कह रही लाई रे धोली रे गाय रो दूध कनाई, तू तो मुंडो रे धोने पी। ने गालूंगी सो करो आज यू पर तो घालू साग जी। अरे कर्मा मारो नाम, यो ही तो मारो गाम बेटी जात गयो थे काम रे, दुगा संभल लाय गयो पूजा मारे सू कई आट जी। कर्मा मारो नाम, यो ही तो मारो गाम बेटी जात। कर्मा ने कहा दूध पी ले, आज तुझे मैं बाजरी की रोटी और सांगरी की सब्जी खिलाऊंगी। बाजरी की रोटी लाके खिलाई, वह दिन गया। अगला दिन हुआ, फिर कर्मा उठ के प्रभु के पास मंदिर में गई और कहा ए कन्हाई चल मेरे साथ, तेरे नहाने के लिए पानी मैं नहीं ला सकती, चल मेरे साथ कुएं पे, चल नाले नावा।
भगवान को साथ लेके गई कुएं पे, कादक भगवान वहां बैठे, एक मटका भर पानी डाला, ना लिया, अब चल मेरे पास वापस। वापस लेके आई, कहा बैठ जा चुपचाप। भगवान चुपचाप बैठे, कारे हाथ तेरा ये मुंह उतरा हुआ कैसे? भगवान ने कहा कुछ नहीं। तो कर्मक कहने लगी के हरी थारा कहीं भात भरावा, हरी थारा कहीं भात भरावा, पानी मिटोड़े कुएरो लावा, हरी थारा कहीं भात भरावा, पानी मिटोड़े कुएरो लावा। मारवाड़ में कई क्षेत्रों में कुओं में पानी महाराज खारा है, कहीं कहीं कोई कोई मीठा है। तो कर्मा कहने लगी क्या हुआ, मुंह लटकाया हुआ कैसे? तब उन्हें कहा रे कर्मा पानी बड़ा खारा है, पी नहीं सकता। तो कर्मा ने कहा मीठा पानी लाऊं? यहां मीठा लिया, भगवान को मीठा पानी लाके दिया। अब बोलो क्या कि का कल तूने जो बाजरी की रोटी खिलाई थी रे, मेरा गला सब छिल गया, आज क्या खिलाएगी? भगवान जब ये कहा, कर्मा बड़ी खुश थी, कहने लगी आज है ना, अरे मुंगारी रे दाल जामे घी की रे लाल, थारे पतला पतला फूल किया पोवा, अरे मुंगारी रे दाल जामे घी की रे लाल, थारे पतला पतला फूल किया पोवा। आज मूंग की दाल बनाऊंगी, गौ का घी डालूंगी और पतले पतले फलके बनाऊंगी। भगवान ने कहा अच्छा, कहा कर्मा गई देगड़ी के अंदर दाल बनाई, फलकों का पूरे गेहूं की रोटी का पूरा टिफिन भरा, थाली लेके आई और लाके भगवान को कहा ले आजा। कर्मा ने वो दाल रखी, रोटी का टिफिन रखा, कहा देख मेरे और भी घर में काम है, अब जितनी तुझे दाल चाहिए जितनी तुझे रोटी चाहिए खा लेना, यहां संकोच मत करना, यहां परोसने वाला और कोई नहीं है, हाँ तू कोई मेहमान नहीं है, नया नहीं आया, ये तेरा अपना घर है, खा ले चुपचाप, मेरे को और काम है। चली गई, भगवान बैठे खा रहे। कर्मा एक आध घंटे से घूम के वापस आई तो मेरे प्रभु बैठे हैं। कर्मा ने प्रभु को देखा और कहने लगी क्या भोजन कर लिया या और कुछ चाहिए? प्रभु ने कहा क्या चाहिए, कुछ है ही नहीं, खाऊं क्या? कर्मा ने कहा मतलब, टिफिन देखा तो एक भी फल का नहीं, देगड़ी को देखा तो एक चम्मच भी दाल नहीं। कर्मा ने कहा रे तू क्या कर दिया, ये तेरे अकेले की रोटी नहीं थी, मेरी भी इसमें शामिल थी और तूने दोनों की रोटी खा ली, ए साला इतना सा तो है और इतनी रोटी खा गया, अब तेरा पेट खराब होगा, अपचन होगा तुझे, आज शाम को तुझे रोटी नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा ऐसा मत करे कमरा कर्मा, और फिर रात को भूख लग गई तो? कर्मा ने कहा नहीं लगेगी, पेट सही रहेगा, गड़बड़ होगा, बीमार होगा तो बैद्य के कौन लेके जाएगा तुझे, मैं अकेली क्या क्या करूंगी, सो जाना चुपचाप। प्रभु ने कहा अगर भूख लग गई तो एक काम करना, सुबह जल्दी अगर भूख लग जाए तो सुबह ऐसे करना या पड़ा मत रहना, उठ के आ जाना, और भूखे को नींद आती भी नहीं है, जल्दी आ जाना मेरे घर, मैं ना आज रात को मक्की की राबड़ी बनाऊंगी, तुझे राबड़ी खिलाऊंगी, बढ़िया लगेगी। प्रभु ने कहा ठीक है राबड़ी खिलाएगी, पर कल भोजन में क्या खिलाएगी? कर्मा ने कहा हमारे मारवाड़ का कनाई खींच होता है, आज रात को है ना मैं खींच को छड़ के रख दूंगी। धीरे धीरे महाराज ये समय बीतने लगा। 2 महीने बाद पुजारी जी तीर्थ करके वापस आए, शाम के समय पहुंचे, कर्मा पास में गई। पुजारी जी ने पूछा रे कर्मा मेरे ठाकुर जी की पूजा तो तू सही कर रही है, समय समय पे भोग तो लगा देती है। कर्मा ने कहा महाराज एक बात कहूं? पुजारी जी हां बोल बेटी, आपने तो हमें कहा ही नहीं कि आपके ठाकुर जी इतना खाते। अरे पिछले 2 महीने हुए उसने कभी ये नहीं कहा कि आज मैं पूरा भर पेट भर खा चुका हूं, जितना दो उतना खाता ही खाता है, कभी ये नहीं कहा अब मुझे नहीं चाहिए, वो मैं ही उससे खींच के लेती हूं, बाकी कभी नहीं मना करता।
पुजारी जी ने कहा क्या कह रही तू, पागल तो नहीं हो गई? करमा ने कहा पागल हो गई? पुजारी जी ने कहा बेटी भगवान कोई खाते थोड़ी, उनको तो भोग लगाया जाता है। करमा ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हैं आप, ये मेरे धान की कोटी दो खत्म हो गई और आप कह रहे हो भोग लगाते। पुजारी ने कहा हाँ। करमा ने कहा सुबह देख लीजिएगा। जो ही दूसरा दिन हुआ थाली परोस के करमा बाई लेके गई भगवान के आगे रखा, का एक नहीं ले या खा ले, भगवान थोड़ी आने वाले। चार बार का नहीं आया, छह बार का नहीं आया। करमा बाई ने कहा रे वरे बड़ा बदमाश है, अपने पुजारी जी के सामने साहूकार बनने के लिए आज आई नहीं रहा, रोज तो बिना कहे दौड़ के मेरे पीछे भागता दिन भर कि मुझे क्या खिलाओगी क्या खिलाओगी, और आज बुला रही हूं तो आई नहीं रहा, फिर भी नहीं आए। सोचा ओ हो मेरे सर का ये ना जो ये घाव ठीक हो गया है, इसको बुलाने का एक ही साधन है। और कर्मा ने अपना सर पटकना शुरू किया। जैसे ही कर्मा ने सर पटकना शुरू किया, इतने में प्रभु जी आ जावे रे भरम मिटे जावे अरज शिव लाल की। कर्मा मारो नाम यो ही तो मारो नाम बेटी जात की। कबो कयो छे गाम रे दूजा सबराई कयो पूजा मारे सो कहीं आठ जी। कर्मा मारो नाम यो ही तो मारो नाम बेटी जात की। यह सहज भक्त है महाराज। जो सहज भक्त होते हैं वो जैसा कहते हैं मेरा परमात्मा वैसा करता है, उसे मालूम नहीं है। अभी अगर डेढ़ दो साल का बालक हो और अगर यहां सर्प खड़ा सामने बैठा हो, आप मुझे बताइए बालक उसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? उसे मालूम नहीं कि ये खा जाएगा मुझे, क्योंकि वह सहज है, उसे मालूम नहीं। तो जो सहज भक्त होते हैं वो जैसा कहते हैं वैसा मेरा परमात्मा करता है। बालक कह रहे हैं जैसे राम जी कर रहे हैं, पुरुषों ने दर्शन किया परिचय नहीं प्राप्त किया, पर जैसे ही जनकपुर की नारी ने मेरे प्रभु को देखा, उन्होंने परिचय प्राप्त किया, क्योंकि नारी महाराज वाचाल है। इस संसार का सबसे बड़ा अपवाद होगा कि किसी एक कमरे में पांच माताएं दो घंटे बिन बोले बैठी रही, नहीं बैठ सकती, बोलेगी बोलेगी। कि हमारे ऊपर कोई बाबा की कृपा है जो माताएं कथा में बातें नहीं करती है, पर ये जो हमें भी थोड़ा थोड़ा था ना वो हमारे अब की बार गड़बड़ हो गया। ये वहां जगदलपुर कथा गाने गए, वहां 15-20 माताएं आगे ऐसी बैठी, भगवान बचाए उनको, पीछे पूरा पांडाल शांत एकदम सब ढंग से सुन रही है, पर वो 15 ही सदस्य वो आगे आगे आके बैठ जाए। आगे बैठे क्यों ना, क्योंकि वो यजमान परिवार की, अब उनको कहे कौन पीछे जाके बैठो, चार दिन महाराज तो उनके खुद के क्या करेंगे महाराज, मुझे कहना पड़ा उनको। मैंने कहा रे इतना क्यों बोलती हुआ, पर नहीं बोलती है, कहीं कहीं कोई अपवाद हो जाए अलग बात है, बाकी अक्सर नहीं बोलती कथा, बाकी बोलेगी बिन बोले रहेगी नहीं। पर एक बात है महाराज, कहीं कहीं बोलना भी ज्यादा बोलना भी फायदेमंद हो जाता। कहां होता है मालूम, जैसे कहीं कोई जा रहे हैं न्याति जी और भीड़ ज्यादा हो रेलगाड़ी में, तो आदमी क्या करेगा, खड़ा रह जाएगा, चलो दो चार घंटे जाना है चलो खड़े रह जाए, खड़े खड़े चला जाएगा। अगर आदमी की जगह पुरुष की जगह अगर कोई माता बहन है
और गाड़ी में भीड़ ज्यादा है तो भीतर प्रवेश करेगी, खड़े ही नहीं रहेगी। उधर किसे, उधर, अरे माता दी आगे कहां, तुझे क्या करना, उधर करके भीतर जाएगी। भीतर जाके देखेगी कौन कौन कहां कहां बैठे हैं, जहां दो चार माताएं बैठी ना वहां जाके खड़ी रहेगी, दो मिनट ही खड़ी नहीं रहेगी। और उनको देखेगी, देख के पूछेगी, अजी आप कहां से आई हो, के फला गांव से। आगे कहां जाओगी, के फला गांव। अच्छा, फिर दो मिनट रुक के, अच्छा तो आपका पियर कौन सी जगह है, के फला जगह। अच्छा अच्छा, तो आपका ससुराल, के हमारा ससुराल तो फला गांव। ओ अरे वहां आपका ससुराल है उस शहर में, उस मोहल्ले में क्या, अरे उस मोहल्ले में तो हमारे जेठ जी की बेटी ब्याई हुई फलाजी के यहाँ, आप उनको क्या जानती, अरे 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 वो उनके यहाँ, अरे वो तो हमारे बिल्कुल पड़ोसी। अजी ये तुम तो घर के निकले, उधर घिस गए वही जगह। ये बोलने का फायदा, नारी भक्ति है और भक्ति वाचाल होती है, बोलती ही बोलती। जनकपुर की नारी ने जैसे ही मेरे प्रभु को देखा तो आपस में कहने लगी, ये सुमित्रा के बेटे हैं। तो एक ने कहा, सखी अगर महाराज ने इनको देख लिया ना, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ के ये जो सांवला राजकुमार है ना, इसके साथ में जानकी का विवाह कर देंगे। दूसरी ने कहा, तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले महाराज ने ही तो इन्हीं को देखा है, है? देखने के बाद में भी अभी अपनी प्रतिज्ञा पे कहा। एक कहने लगी, तो तू क्यों इतना चिंता करती है, जिस विधाता ने जानकी को बनाया है उसके योग्य इसी वर को बनाया है। एक ने कहा, ये विधाता बनाने की छोड़, वो बीच में धनुष पड़ा है, हाँ शंकर जी का। तो एक ने कहा, तू क्यों इतना सोच रही है फिर, अरे जिसने मारीच और सुबाऊ जैसे असुरों का नाश किया है वो धनुष उठाए बिना नहीं रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है धनुष यही उठाएंगे। एक ने कहा, सखी तेरी बात अक्षर सत्य हो, ऐसा हो जाए तो फिर चाहिए ही क्या, अगर ये धनुष उठाएंगे और जानकी इनको वरण करेगी तो फिर जानकी तो महाराज को बहुत ही प्रिय है, महाराज जानकी को बार बार लाएंगे और ये सीता को लेने बार बार जनकपुर आएंगे और सखी हमें इनके बार बार दर्शन का अवसर मिलेगा। बात करिए, ये पूरी की पूरी श्रृंखला बना दी महाराज। हर सही बर सही सुमन के सुम की सुलोचनी वन, जहां जहां जाए बंधु दो के तहां परमानंद। मन में हर्षित हैं, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, मेरे प्रभु को कह रही है, महाराज ये हमारे जो जनकपुर की भूमि है ना, ये बड़ी कठोर है और आपके जो चरण है ना ये अति कोमल है, कहीं आपके चरणों में खरौंच न लग जाए, इसलिए हम आपकी राह में पुष्प बिछा रही हैं। दूसरा भाव, सुमन का मतलब होता है सुंदर मन। ये कह रही है पुष्प के द्वारा कि प्रभु हम अपने सुंदर मनों को आपके चरणों में न्योछार करिए, हमारे सुंदर मनों को स्वीकार करें। जीव को यही करना चाहिए, ये जो हमारा मन है ना, ये मन संसार के लोगों को मत दो। हमारे मन में तो आप बसे हो, या हमारा मन आप ही के लिए नहीं, मन अगर देना ही हो तो मेरे हरि को दो। माना गोपियों को समझाने जब उधो आए ना, तो गोपियों ने उधो से क्या कहा, अरे उधो तुम किसको ज्ञान देने आए हो, ज्ञान कौन सुनेगा। उधो मन होवत न दस बीसे, अरे उधो मन होवत न दस बीसे।
एक तो थो जो गयो रे कान संग, ये उदो मन दस बीस नहीं होते, मन तो एक ही होता है, और एक मन जो हमारा था वो हमारे कन्हैया के साथ चला गया। ये तो हमारे यहां शरीर पड़े हैं, अब इनको तू क्या ज्ञान देगा, तेरे तेरे ज्ञान का पिटारा तू कहीं और जाके खोल। उदो ने कहा, आप लोग इतना क्यों रोती हो? गोपियों ने कहा, जिसका संदेश तू लेके आया हो उसी को जाके कहना, वो हमें प्रेम की बीमारी तो लगा के चला गया पर उसे क्या मालूम। उदो, ये जमुना का जो किनारा देख रहे हो ना, इस किनारे को जब हम देखती हैं तो हमें कन्हैया की याद आती है। शरद पूर्णिमा का जब हम चंद्रमा देखती हैं तो हमें कन्हैया की याद आती है। उधो, हमारे जीवन का ऐसा कोई भी कर्म नहीं है कि उस कर्म में हमारा कन्हैया शामिल नहीं है, इसलिए यह ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। तुम कहते हो कि कृष्ण चला गया, कृष्ण कहीं गया नहीं है। अगर वो हमें लगता कि वो यहां से चला गया तो हे उधो, यहां से मथुरा दूर नहीं है, बीच में एक यमुना ही पड़ती, हम वहां आ जाती, पर हमें कभी लगता ही नहीं, हमें तो लगता हमारा कन्हैया हमारे साथ ही है। यह प्रेम है, ये देने का मन यह है हमारा। हमें विरह के, हमें प्रेम के तीर लगे हुए हैं। हे युदो मन होवत न दस बीस, एक तो सो गयो कान संग। ये जो अब जनकपुर की जो नारी है, ये मेरे प्रभु को अपने सुंदर मन दे रही है, कह रही है जीवन में भगवान को देना ही हो, मन दीजिए महाराज। संसार के लोगों को मत दीजिए, क्या पता वो आपके मन की कितनी दुर्गति करे, ठाकुर जाने महाराज। सखी के साथ जानकी जी गौरी पूजन के लिए आई है, मेरे प्रभु लखन के साथ पुष्प चुन रहे हैं। अब जो साथ में सखियां हैं वो सबकी सब ये पुष्प वाटिका में सरोवर है, उस सरोवर में स्नान को गई, तो जो बाकी की सखियां थी उसमें से एक सखी बगीचे के अंदर एक तितली उड़ रही थी, उस तितली को पकड़ने के लिए, क्योंकि सबकी सब छोटी हैं, बड़ी नहीं उम्र में, यही सब 9-10 वर्ष की उम्र है, तो छोटी बच्चियां हैं, तो मतलब तितली को देखे एक सखी उसके पीछे दौड़ने लगी, तो दौड़ते दौड़ते वो वहां से दूर निकल गई। बाकी सब सखियां ने महाराज मंजन किया यानी स्नान किया और जानकी गौरी के मंदिर में आई पूजा के लिए। या जानकी तो पूजा करिए, और वो जो सखी तितली को पकड़ती हुई दौड़ती दौड़ती जैसे ही बगीचे के बीच में गई और जो ही उसकी नजर मेरे प्रभु के ऊपर पड़ी, वो तितली पकड़ना तो भूल गई। राम जी को देखते इतनी मोहित हुई कि वहां से वापस दौड़ी आके गौरी के मंदिर में जो जानकी पूजा करी है, सीता से कह रही, अरे जानकी जानकी पूजा बाद में करियो, ये गौरी कहीं जाने वाली नहीं, ये मंदिर कहीं जाने वाला नहीं, पर वो चले जाएंगे। दूसरी ने कहा, कौन चले जाएंगे, तू इतनी उतावरी क्यों हो रही है, कौन है? वो कहने लगी, देखन बागे कुंवर दो आए, हम तुमको कह रही हैं दो राजकुंवर बगीचा देखने आए। तो दूसरी ने कहा, तो कौन सी बड़ी बात है, यहां राजकुमारों का
भंडार भरा है, जब से स्वयंवर की तैयारी हुई है हजारों की संख्या में आए हैं, दो आए तो क्या, दो क्या, 200 आए तो ही कम है। उसने कहा नहीं नहीं, तो वह किशोर सब भांति सुहाए। अरे वो दो राजकुमार ऐसे वैसे नहीं है, वो वय है किशोर है। तो तीसरी ने कहा राजकुमार तो वय और किशोरी होंगे, राजा होंगे तो बूढ़े होंगे प्रौढ़ होंगे, राजकुमार तो किशोरी होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कहने लगी अरे तुम लोग मेरी बात को समझ नहीं रही हो। तो चौथी ने कहा समझ नहीं रही हो, तू कहना क्या चाहती है। उसने कहा वो वय और किशोर है जो है, पर इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। एक ने कहा इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, कहती रहोगी कि कहोगी कैसे सुंदर है। तो वो कहने लगी सुनो, श्याम गोर किमी कहो रे बखानी, श्याम गोर किमी कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बाने, गिरा नयन नयन बिनु बाने। एक श्याम है एक गौर है, हम कैसे बखा के कहें सखी। गिरा अनयन, गिरा कहते हैं जीभ को, ये जो जिभ्या बोलती है ना इसकी आंखें नहीं है, और ये आंखों ने जिन्होंने देखा है उनके वाणी नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो वो कहने लगी क्या करें। तो जानकी के सामने हाथ जोड़ के फिर निवेदन कर रही है, क्या कह रही है, ये वही राजकुमार है सखी जो कल जनकपुर देखने आए थे, और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी ऐसे जनकपुर के लोगों पे डारी, जानकी ऐसे डारी कि पूरे जनकपुर के लोग उनकी सुंदरता के बावरे हुए ही घूम रहे हैं। ये सही कह रही है, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हम चूक जाएं। जानकी गौरी का पूजन बीच में ही छोड़ के सखी के साथ में मेरे प्रभु को देखने के लिए चली है। जानकी जैसे ही बगीचे में आई है फुलवाई में, तो सीता जी के जो आभूषण पहने हुए, पांव में पाजेब, हाथ में कंगन और कमर में करघनी, यानी जिसे या पता नहीं क्या कहते हैं राजस्थान में, कंदोरों के वे करघनी कहते हैं, उनमें जो नुपुर यानी जो घुंघरू लगे हुए हैं, उनकी बड़ी मधुर आवाज आ रही है। उस आवाज को मेरे प्रभु लखन के साथ में पुष्प चुनते हुए सुना। यहां तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार रस का वर्णन किया है। जानकी जी जैसे ही चली, तुलसी जी कहते हैं बजा रहा है, ये तो भक्ति देवी आ रही है और उसके आगमन पे कामदेव नृत्य कर रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। लखन कुछ नहीं बोले, जब लखन नहीं बोले तो जिस तरफ से आवाज आ रही थी, फिर देखें ते ही औरा, फिर देखें ते ही औरा, सियमुख सती भये नयन चकोरा। सियमुख सती भये नयन चकोरा, जिस तरफ से आवाज आ रही थी मेरे प्रभु ने घूम के उस तरफ देखा, जानकी जी का मुखमंडल तो चंद्रमा बन गया और मेरे प्रभु के नेत्र चकोर। जो ही मेरे प्रभु ने देखा है, तुलसी जी कहते हैं राम जी के नेत्रों की दशा क्या हुई, भय हूं बिलोचन, भय हूं बिलोचन, ए चारों चंचल, भय हूं बिलोचन,
चारु अचंतने मनो संकुच निमितले ओ दिगंत बिलोचन कहते हैं आंखों को भय हूं बिलोचन चारू चारू का मतलब चार नहीं है। ये जो टीवी पे रामायण को बताया था रामानंद सागर जी ने उसमें सीताराम जी के दोनों के नेत्र मिलाए हैं कहां पे उस वाटिका में, अरे उनको तो महाराज पैसे कमाने थे बाकी नेत्र मिले नहीं है। सीता जी ने राम जी के नेत्र आपस में नहीं मिले। यहां चारू का मतलब है सुंदर। ये तुलसी जी ने चारू शब्द मानस में अनेक जगह प्रयोग किया है। चारू का मतलब सुंदर। मेरे प्रभु के जो सुंदर नेत्र हैं अचंचल नेत्र चंचल हैं पलकें झपकती रहती हैं पर सीता जी को देखते ही नाम जी के नेत्र स्थिर हो गए अचंचल हो गए पलकें झपकना बंद हो गई। क्यों बंद हुई तो इसका कारण कह रहे हैं शकुच निमी जिमी चले वो दिगंचल। जनक जी के पूर्वज जिनका नाम निमी महाराज था निमी ने वरदान प्राप्त किया था देवताओं से कि मैं प्रत्येक मानव की पलकों में निवास करूं तो ये निमी इसलिए पलकों को निमी भी कहते हैं महाराज। यहाँ निमी जी का निवास स्थान है। उन्होंने देखा कि हमारे कुल की बेटी को हमारे कुल का होने वाला जमा ही देख रहा है तो मर्यादा के लिए हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए और वो अपने स्थान को छोड़ के चले गए। और तुलसी बाबा ने लिख दिया मनहु संकुच निमी चले वो दिगंत। जानकी जी को देखते देखते मेरे प्रभु को लखन की याद आई। कहा हमने लखन को कहा पर पुनः वापस तो देखा ही नहीं और कहा ए लखन। लखन जी ने कहा महाराज कहिए। मेरे प्रभु कहने लगे तात जनक तनयाय हसोई धनुष जग जयकार वही जनक नंदनी है जिसके लिए ये धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया है। और लखन देख गौरी पूजन सखी ले आई करत प्रकाश पिरई फूलवाई इसको सखी लाई तो गौरी पूजन के लिए पर देख ये यहाँ अपने फुलवाई में अपनी सुंदरता का प्रकाश बिखेर रही है। देख तो भाई कितनी सुंदर है। जासु बिलो की अलो की कसोबा जासु बिलो की अलो की कसोबा सहज पुनीत मोर मन शोभा और इसकी अलौकिक सुंदरता को देख के हे लखन मेरा मन जो सहज रूप से पावन है इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। ये क्यों हो रहा है सो सबे कारण जान पिदाता वो कारण तो हरि जाने वो कारण तो विधाता जाने पर एक बात कह दूं लखन इसको देखने के बाद में जैसे ही मेरा मन इसकी तरफ आकर्षित हुआ तो उसके साथ साथ में मुझे कुछ संकेत भी मिलने लगे। लखन जी ने हाथ जोड़े कहा नहीं क्या मिलने लगे हाथ जोड़े मेरे प्रभु कहने लगे हे भाई
पर कहीं अंग शुभद सुन भ्राता पर कहीं अंग शुभद सुन भ्राता ये मेरा ताइना शुभ अंग फड़क रहा है यानी कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। एक बात और कह दूं लखन, अगर ऐसा नहीं होता, कुछ घटना नहीं घटने वाली होती, तो इस राजकुमारी की तरफ हमारा मन आकर्षित नहीं होता। क्योंकि हे भाई, हमारा जन्म जिस कुल के अंदर हुआ है ना, उस कुल के पूर्वजों के पुण्यों का ऐसा प्रभाव है। रघुवंशी न करे, रघुवंशी न करे सहज सुभाव, मन कुफंते पग धर पलकों के दरवाजे बंद कर दिए, आंख बंद करके खड़ी है, भीतर ही मेरे प्रभु की उस छवि को निहार रही है। राम जी ने देखा, लखन जी ने देखा कि माता जी राम जी को देख रही है, तो मेरे प्रभु से कहने लगे, प्रभु आप जब से अवध से आए हो ना, आपका किसी ने श्रृंगार नहीं किया, आज हमारा मन कर रहे हैं आपका कुछ श्रृंगार करें। राम जी ने कहा, दो तेरी मर्जी आए शुक्र। अब लखन जी ने क्या किया, जब मेरे प्रभु पुष्प चुन रहे थे तो पुष्पों के पास में जो कलियां थी वो कलियां रोने लगी, वो रोके अपनी वेदना अपना दर्द व्यक्त कर रही है कि अगर आज हम खिली हुई होती तो प्रभु हमको भी चुनते, पर हम खिली हुई नहीं है। लखन जी उन कलियों के दर्द को जान गए, कहा कलिये तुम रो मत, इन पुष्पों को तो मेरे प्रभु ने चुना, चुन के अपने से अलग कर दिया यानी टोकरी में डाल दिया, पर हम तुमको प्रभु के साथ में कर देंगे। और लखन ने क्या किया, उन कलियों को चुना और वेणु बनाई, वेणु बना के मेरे प्रभु के सर के ऊपर लगा दी, एक ऊपर मोर पंख लगाया, श्रृंगार किया। अब सीता जी की तरफ देख के मन ही मन लखन जी कहने लगे, माता जी अब देखिए प्रभु का, अब तो हमने श्रृंगार किया, अब तो हमारे सरकार और भी सुंदर लग रहे हैं, आप देखे तो सही। जानकी जी नहीं देखी, आंखें बंद है। उसी समय सखी ने कहा, अरे जानकी बहुरी गौरी कर ध्यान धरे, ये गौरी का ध्यान तो बाद में कर लेना, प्रभु किशोर देख किन ले, ये जो सामने खड़े हैं राजकुमार इनको देख क्यों नहीं ले रही, गौरी का ध्यान तो वहां मंदिर में जाके कर देना। जैसे ही सखी ने कहा और जानकी ने आंखें खोली, तो अब की बार महाराज मेरे प्रभु की छवि बदली हुई है, अलग मोर पंख सिर सोहत नीके, सर के ऊपर मोर पंख है, बीच बीच में महाराज कलियों के गुच्छे लटक रहे हैं, बीच बीच गुच्छ कुसुम कली के, बाल तिलक ललाट के ऊपर सुंदर श्री तिलक है, और उसके ऊपर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें चमक रही है। सीता जी मन में विचार करने लगी, इनको पुष्प चुनते पसीना आ रहा, ये धनुष कैसे उठाएंगे। महाराज सबसे सरल काम है फूलों को तोड़ना, कोई श्रम नहीं होता, अगर कोई पत्थर तोड़ना हो तो फिर पसीना आए तो मान ही ले महाराज, अब पुष्प चुनने में क्या तकलीफ होती, ये पुष्प है इसको चुनने में क्या, ये इनको पुष्प चुनते पसीना आ रहा है। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाहे के श्रवण सुभंग भूषण छवि छाए, कानों में सुंदर कुंडल है, विकट भुगुटी कच घुंघर वाले, कच कहते हैं बालों को, घुंघराले बाल है, नव सरोज खिलते हुए कमल के समान गुलाबी सुंदर नेत्र है, और उन बीच में ललायमान और हैं,
नव सरोज लोचन रत नारे, बिल्कुल हल्के हल्के ललायमान नेत्र हैं। तुलसी जी कहते हैं वो ऐसा सुंदर रूप है कि मुख छवि मोते बरनी न जाए। मैं उस छवि का वर्णन क्या करूं, मुझसे नहीं वर्णन हो सकता मेरे प्रभु की सुंदरता का। जे ही बिलो की बहु काम ल जाए, जिनको देख के बहुत कामदेव भी लज्जित हो जाए, ऐसा रूप। जानकी जी मेरे प्रभु को देखने लगी। उसी समय सखी ने कहा, अरे जानकी अब देखती ही रहोगी कि पीछे भी कुछ विचार करना है। अरे गौरी का पूजन करना है, पूजा अभी बाकी है, देर हो रही है, माता क्रोध करेगी। जानकी ने सोचा मेरी चोरी पकड़ी गई, शर्म से सर को झुकाया और घूमी है। तो एक सखी ने राम जी की तरफ देख के कटाक्ष किया और क्या कहा, पुनिया यौ ये बरिया काली अस कहीं मन बियसी एक आली। कल हम इस समय और आएगी, ऐसा कह के एक सखी हसी और जानकी जी को लेके चली है। लताओं का पताओं का बहाना करते बार बार मेरे प्रभु की छवि को निहारते हुए जानकी गौरी के मंदिर में आई है। पर महाराज पूजा करने तो नित्य आती थी, जब से मेरे प्रभु को देखा है और अब देख के जो ही पूजा करने आई है तो जानकी के पूजा करने का भाव ही बदल गया। देखिए जीवन में जब तड़फ होती है, जब मांग होती है, वो एक पूजा करने का जो तरीका होता है उसमें और उसमें फर्क है। आप जब सब तरह से टूट जाते और दुखी होते हो तब भगवान से जो मांग करते हो, प्रभु के सामने जो बैठते हो और सर्वत आनंद होता है तब जाके बैठते हो, उसमें उसमें फर्क है। माना जाना कि भजन करने का भी एक गति है। जानकी आई है, तुलसी बाबा बोले, महाराज जो घटना घटी पुष्प वाटिका में वो पहले मेरे प्रभु ने सब बया करके बताई है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मन अशुद्ध है तो ये चुने हुए पुष्प भी अशुद्ध होने चाहिए और ये पूजा के योग्य नहीं होंगे, इसलिए पहले सब घटना बताई। और जब पूरी घटना सुनी तो विश्वामित्र जी ने कहा, दे दो, तुम्हारा मन अशुद्ध नहीं है। लेकिन या तुम्हारे कहा, क्यों? क्योंकि जानकी जी के साथ में जो सखियां थी ना उनमें एक उर्मिला जी भी थी। मनी मन लखन जी उर्मिला जी को पसंद कर बैठे थे। तो विश्वामित्र जी तो ध्यान दृष्टा महात्मा ने कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, सफल मनोरथ हो हूं तुम्हारे। वह दिन बीता महाराज, संध्या की है। मेरे प्रभु ने मानस में बड़ा सुंदर लिखा, राम जी ने जैसे ही चंद्र को देखा है और सीता जी की सुंदरता याद आई, फिर सीता जी की सुंदरता का बखा मिलन चंद्रमा से किया, फिर कहा, नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा सीता जी की बराबरी कहां करेगा। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस दीन मलन कलंक, सीयमुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक, गटई बढ़ई बिरहिन दुखदाही के ग्रसही राहु निज संगी निपाई, कोक शोक पद पंकज द्रोही के अवगुण बहुत चंद्रमा। चंद्रमा में तो इतने दोष हैं, ये जानकी की सुंदरता की क्या बराबरी करेगा। मेरे प्रभु ने संध्या करके गुरु के पास गए, शयन को गए। सुबह पहले, सबसे पहले लखन उठे, बाद में राम जी, बाद में विश्वामित्र जी। आज वह शुभ दिन है महाराज, सीता जी के स्वयंवर का। सदानंद जी आए, आके विश्वामित्र जी से कहा, चलिए देव, चल के धनुष यक्षाला को देखिए, आज स्वयंवर का दिन है, कोई अगर कमी हो तो आज्ञा दीजिए ताकि उसको पूरा किया जाए। विश्वामित्र जी ने सही शुभ समय जान के मेरे राम प्रभु को कहा, राघव उठो,
और भंजाऊं भव चापा, धनुष को भंग कर दो। क्यों भंग करना है? ये जितने राजा लोग उठ के गए थे वो धनुष भंग करने इसलिए गए थे कि धनुष को तोड़ेंगे तो सीता जी मिलेगी। पर यहाँ हमारे विश्वामित्र जी कहते हैं, राघव धनुष को इसलिए तोड़ना है कि मेट हूं तात जनक परितापा, ये जो जनक का दुख है ना वो दूर हो, इसलिए जाओ धनुष तोड़ो। सीता तो तुम्हें क्या वर्ण करेगी, वो तो तुम्हारी है, क्या वर्ण करेगी। पर ये धनुष जब तक रहेगा ना इसका दुख नहीं मिटेगा, इसका दुख मिटाना, जाओ बैठो। सोनी गुरु वचन चरण शिरुनावा। ये जितने राजा लोग उठे थे धनुष उठाने को, पर किसी ने, महाराज जितने संत बैठे थे किसी को प्रणाम नहीं किया, पर मेरे प्रभु ने जैसे ही कहा गुरुदेव ने उठ के गुरु को प्रणाम किया। सुनी गुरु वचन चरण शिरु नावा, पर हरस विषादन कछु उर आवा। ये राम जी ही ऐसे हैं जो धनुष भंग करने जा रहे हैं, इनको मालूम है कि धनुष भंग करेंगे तो सीता जी गले में माला पहनाएगी, पर हरस नहीं है और न ही शौक है। बाकी जो दूल्हा बनता ना बड़ा हर्ष होता है तभी तो पीछे हर्ष नहीं है राम जी के। हर्ष विषादन कछु उर आवा, जो ही मेरे प्रभु को धनुष के पास जाते देखा, सीता जी की माता सुनैना जी कहती हैं, अरे सखी इस सभा में कोई हमारा हितेशी नहीं है। अरे कोई तो जाके महाराज को समझाए। ऐसे बड़े बड़े वीर योद्धा भी कोशिश कर गए पर धनुष नहीं उठा, ये बालक क्या उठाएंगे। सुनैना जी जैसे ही सखी से कह रही है, सखी कोई तो समझाए। सखी समझाने लगी, रानी माँ आप चिंता ना करें, छोटा अंकुश होता है पर इतने बड़े गजराज को नियंत्रण में रखता है। छोटा सूर्य है पर उदय के साथ में जगत का अंधकार मिट जाता है। छोटा मंत्र है पर उसके वशीभूत ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं। छोटा घड़ा है पर उससे प्रगटे अगस्त समुद्र को पी जाते हैं। तो इसलिए आप इनको छोटा समझ के दुखी ना होएं, धनुष को यही भंग करेंगे। मेरे प्रभु धनुष के पास गए, जाके सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया और परिक्रमा दी है। धनुष के पास खड़े जानकी जी मन ही मन मनाव अकुलानी, करहूं सहाय महिष भवानी। अपने आराध्य अपने इष्ट उमा को प्रार्थना करिए, कह रही है करहूं सुफल आपनी सेवकाई, कर हित हरहूं चाप गरु आई। आज अपनी सेवा को, मेरी सेवा जो मैंने की उसको सफल कीजिए। हे मां अपने पति से कहिए ये धनुष उन्हीं का है, इस धनुष को हल्का कर दे। फिर सोचा हम उमा से कह तो रही पर शंकर समाधि में बैठे हैं तो क्या कह रही है, गणनायक बरदायक देवा, आज लग ही कीन तहूं सेवा, बार बार विनती सुनु मोरी, करहूं चाप गरुता अति थोरी। हे गणनायक हे वरदायक आप हम पे कृपा करें, ये जो धनुष है इसका भार थोड़ा हल्का कर दें। राम जी ने धनुष को देखा, जानकी जी को देखा, जानकी जी पलकों से भूमि को कुदेर रही है और आंखों ही आंखों में इशारा कर रही है, राम जी को कह रही है कि महाराज हम पृथ्वी की बेटी हैं और भूमि में ही समा जाएगी। मेरे प्रभु ने सोचा खेती सूख जाए बाद में बरसात हो तो क्या काम की, प्यास से व्याकुल होके अगर व्यक्ति मर जाए उसके बाद में अमृत का तालाब भी मिले तो क्या काम का। अगर हमने विलंब किया ना और व्याकुल होके जानकी ने प्राण त्याग दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। यह सोच के मेरे प्रभु धनुष उठाने तैयार हुए। देखिए धनुष की लंबाई लंबी है और राम जी की लंबाई छोटी है, हाथ को लंबा करें तो ऐश्वर्य प्रकट हो जाए। इसलिए मेरे प्रभु ने क्या किया, अपने दाएं पांव के अंगूठे से धनुष के एक सिरे को दबाया। जैसे ही दबाया कड़ाके की बिजली कड़की, बिजली कड़कती है तो जो प्रकाश होता है उसमें एक बार सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो जितने ही लोग बैठे थे सबकी उस चकाचौंध में आंखें बंद हुई, आंख बंद होके खुली। इतने समय में ही मेरे प्रभु ने धनुष को उठा दिया,
हाथ में लिया, प्रतंजा चढ़ाई और दोनों भुजाओं में लेके ऐसे घुमाना शुरू किया। बाएं हाथ से उठाया कि दाएं हाथ से उठाया कि कैसे प्रतंजा चढ़ाई, किसी ने देखा नहीं। वो आंख बंद होके खुली उतने में ही ये सब कुछ हो गया, इतना जल्दी हुआ, किसी ने देखा नहीं। अब जब किसी ने नहीं देखा तो तुलसी जी कहां से देखते। मर भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तज मार्ग चले, ऐसी भयंकर बाल हुई मारा। सूर्य देव जिस रास्ते से जा रहे थे, सूर्य देव के घोड़े दूसरी रास्ते में भाग रहे, दूसरी दिशा में। चिक्कर आई दिग्गज डोल, दिशाओं के हाथी चिंगाड़ करके घूमने लगे, भूमि अपनी जगह डगमग डोलने लगी। देवताओं ने असुरों ने सबने अपने कानों के ऊपर हाथ दे दिए। सकल बिकल विचार ही, पूरा संसार व्याकुल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तुलसी जी कहते हैं, कोदंड खंडेऊ राम तुलसी, मेरे प्रभु ने धनुष को भंग किया। जयति वचन उचार ही, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। अरे थोड़ी तो दया करो, हमने इतना जोर से धनुष तोड़ा, आप जय। अरे मुझे देख के तो जोश आना चाहिए आपको। सीता सी नाता जोड़ा है, जो भी है अलग हो जाए, नहीं तो ये जितना तेरा राज्य है ना, इस भूमि को उल्टा कर दूंगा, जो है उसे अलग करें। अब वो जो अभिमानी राजा थे ना, उसने कहा, सुन रहा है रे? उसने कहा, क्या? ये धनुष तोड़ना तो मेरे बाएं हाथ का काम था, तुझे मालूम है मैंने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? उसने कहा, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था ये आने वाला है। एक ने कहा, तो बढ़िया हुआ ना, अपने को धनुष तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये आया है, ये इन महाराज कुमारों को जीवित छोड़ेगा नहीं, हम तो खड़े खड़े तमाशा देखें। बार बार क्रोध भर भर के महाराज परशुराम जी कह रहे हैं, कौन है? अलग हो जाए, बता जनक कौन है। पर जब जनक जी ने नहीं बताया, क्योंकि धर्म संकट में पड़ गए जनक, उसी समय मेरे प्रभु आगे आए, आके हाथ जोड़ के परशुराम जी से कहने लगे, कहां तो महाराज चरण और कहां सर, आपकी हमारी कहां बराबरी। मेरा नाम तो मात्र राम है और आपका नाम परशुराम, हम तो आपके अनुसरण करता है करते हैं महाराज। देखिए परशु आगे आता है, पीछे राम आता है, तो हम तो आपके पीछे, हमें तो एक गुण है सिर्फ, हम धनुष को धारण करते हैं क्योंकि क्षत्रिय हैं, और आपके अंदर 9 गुण हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम सब प्रकार से आपके तो सन्मुख हारे हुए हैं। हे मुनिवर, हे विप्रवर, आप हमें क्षमा करें। राम जी ने जब बार बार मुनिवर विप्रवर कही, राम सन राम, बार बार मुनिवर विप्रवर कहा, परशुराम जी ने क्रोध कर कहा, तू ही बंधु समबाम, तू ही तेरे भाई की तरह टेढ़ा का टेढ़ा, क्या मुझे मुनिवर विप्रकर कह रहा है? मैं निरा मुनि नहीं हूं, इस वर्षे से मैंने इस भूमि को 21 बार क्षत्रिय वहीन किया हूं, मैंने ऐसे यज्ञ किया है, उस यज्ञों के अंदर राजाओं की सेनाओं को मैंने संविधाएं बनाई है और राजाओं को यज्ञ पशु बनाया है, उठा शस्त्र युद्ध कर। राम जी ने कहा, महाराज हम बार बार आपको प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कायर हैं, हम युद्ध से डरने वाले नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध को तो हम हर क्षण तैयार लेके बैठे रहते हैं, और हमने तो उस कुल में जन्म लिया है, वहां युद्ध से तो कोई डरता ही नहीं। कहूं सुभावन कुल प्रशंसी, काल हूं डर ही न रन रघुवंशी, रघुवंशी काल से भी नहीं डरते, पर हम ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करते, आपको जो ही दंड देना है दीजिए। ऐसा कह के मेरे प्रभु ने सर झुकाया, झुका के खड़े हुए, जो गले में पीतांबर था एकदम से नीचे गिरा और वक्ष स्थल पे भृगु जी के पद चिन्ह दिखे और परशुराम जी के मति के पलट घूमे। कहा, अवतार हो चुका है। राम जी ने नेत्र से इशारा किया है, उन्होंने कहा, अवतार हो चुका है।
राम जी ने कहा और परशुराम जी ने हाथ जोड़ के मेरे प्रभु से कहा, राम रमापति कर धनु लेऊं, राम रमापति कर धनु लेऊं, कैच तो मिट ही मोर सन तमितही मोर संदेह देते ताप देते ताप आ पही चली गयो, देते ताप आ पही चली गयो, परशुराम मन समय भय हे राम हे राघव रमापति लक्ष्मीपति इस धनुष को लीजिए खेचिए ताकि मेरा संदेह मिटे। जैसे ही धनुष राम जी की तरफ किया मेरे प्रभु को धनुष को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, धनुष अपने आप चला गया। किसी संत ने कहा अपने आप क्यों गया, क्योंकि राम जी जब पिनाक के पास में गए तो पिनाक वैसा का वैसा पड़ा रहा तो मेरे प्रभु ने उठा के तोड़ दिया। इसने सोचा हम भी अगर अकड़ में रहे तो हमको भी तोड़ देंगे अपने आप। मेरे प्रभु के उस प्रभाव को देखा और परशुराम जी राम जी की स्तुति करने लगे, जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, करवो कवन मुख एक प्रशंसा, करहूं कवन मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मान संसा, मैं आपकी किन शब्दों में प्रशंसा करूं, आप तो भगवान शंकर के मन रूपी मानस के हंस हैं। हे देव हम आपकी स्तुति तो नहीं कर सकते पर हमने आपको अनजान में गाली बहुत दी इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। परशुराम जी कहने लगे, अनुचित बहुत अरे कहूं अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दूंगा। क्षमा के मंदिर दोनों भाई हमें क्षमा करें, स्तुति कर क्षमा मांग और मेरे प्रभु से मुनि ने विदा ली है। तुलसी बाबा बोले, कही जय जय जय, कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुसुत गए वो बनही तपे तो, रघुसुत गए वो बनही तपे तो, जय जयकार करते हुए परशुराम जी तप के लिए वन में गए। जैसे ही परशुराम जी गए वो जो अभिमानी राजा कह रहे थे ना पकड़ो पकड़ो मारो मारो, उन्होंने कहा भैया अब यहां से खिसकने में ही फायदा है, ये जो परशुराम जी परसा को ऐसे ऐसे करके आए थे तो कैसे बगल में डाल के जय सियाराम हुए तो अब यहां से जाने में ही फायदा है। सब अपने अपने को गए। विश्वामित्र जी ने जनक जी को बुलाया और कहा राजन आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार तो सीताराम जी का ब्याह हो गया, अब जानकी को आप ऐसे ही विदा करोगे कि वैदिक रूप से विवाह करवा के। कहा महाराज वैदिक रूप से विवाह करवा के तो ऐसा करो पत्रिका लिख के भेजो, महाराज दशरथ जी से आग्रह करो कि वह बारात लेके आए।
जनक जी ने पत्र लिख के दूतों को दिया, दूत अवध आए, महाराज दशरथ जी से निवेदन किया, दशरथ जी ने पत्र पढ़ा, वशिष्ठ जी से जाके प्रार्थना की और बारात को तैयार किया और बारात लेके महाराज जनकपुर आए। अगवान लोग तैयार थे, अगवान जब दीख बराता उर आनंद पुलक भर गाता, कनक कलश भरी को पर थारा, भादन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, के नाना भाति न जाय बखाने। ये जो भाई आपको मिलेगी मास पारायण दसवां के तुरंत नीचे। और अब देखना बंद कर दो कि अब राम जी का ब्याह करवाते हैं पसीदा। बारात आ गई, सबको सम्मान के साथ में जन्माष्टमी में ठहराया। राम जी को पता चला, विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेके वशिष्ठ जी के पास आए और सबसे मिले। पूरे जनकपुर में आनंद है। कुछ दिन बीते, तुलसी बाबा बोले, मंगल मूल लग्न दिन आया सीताराम जी के विवाह का। ब्रह्मा जी ने लग्न सौदा और लग्न लिख के नारद जी को दिया कि आप ले जाके जनक जी के गुणी जनों को दे दें। वो लाके सदानंद जी को दिया। आज वह महाराज शुभ दिन है, मार्गशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी है, सीताराम जी के विवाह का दिन। सदानंद जी ने आके महाराज दशरथ जी से कहा कि दुल्हन राजा को लग्न मंडप पे ले आइए। जैसे ही कह के गए, अब मेरे प्रभु को दूल्हा बनाया जा रहा है। बड़ा सुंदर सा पाव जा रे मेहंदी रे सोए, हाथ पाव जा रे मेहंदी रे सोए, हाथ पाव जा रे मेहंदी रे सोए, हाथ पाव जा रे मेहंदी रे सोए, नैना रे माय गुड़ियो है कजरो, नैना रे माय गुड़ियो पे जा रे पगड़ी रे सोहे, पे जा रे पगड़ी रे सोहे, इस पे जा रे पगड़ी रे सोहे, इस पे जा रे पगड़ी रे सोहे, जाके ऊपर तो लगियो है तुरो, जाके ऊपर तो लगियो है तुरो,
सोहे आनम जारे कुंडल सोहे आनम जारे कुंडल सोहे आनम जाके कुंडल सोहे वाके ऊपर तो बाला को भंवरो वाके ऊपर तो बाला को राम जी दूल्हा बने, श्वेत वर्ण के घोड़े पे सवार होके बारात जनकपुर के मुख्य रास्ते से चली। आकाश में सभी देवता आ गए। सबसे पहले भगवान शंकर ने राम जी को देखा। तुलसी बाबा बोले, शंकर राम रूप अनुरागी, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। आज शंकर को अपनी 15 आंखें प्रिय लग रही है, क्योंकि भोलेनाथ के 5 मुख है और एक मुख पे 3 आंखें। जब राम जी को विष्णु ने देखा, हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, लक्ष्मी सहित मेरे हरि मोहित हो गए। पर ब्रह्मा जी ने देखा तो तुलसी बाबा कहते हैं, देख राम छवि विधि हरसाने के आठई नयन जान पछिताने। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि उनके 4 मुख है, 8 आंखों से देख रहे हैं। पर देवताओं के सेनापति कार्तिक मुनि को बड़ा उत्साह है, क्योंकि आज वो 12 आंखों से मेरे प्रभु को देख रहे हैं। देवताओं की पत्नियों ने कहा, हम लोग तो यहां नहीं खड़ी रहेगी, हम तो इस ब्याह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। देवताओं ने मना किया पर नहीं मानी। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी, कपट नारी बर बेश बनाई, मिली आई रनिवास ही जाई, सबकी सभा के रनिवास में मिल गई। जब पत्नियां कपट वेश धर के जाके वहां मिल गई, तो देवताओं ने सोचा, हम लोग यहाँ क्या करें। वह भी मानव रूप धर के बरात में आके सम्मिलित हो गए। किसी ने नहीं जाना कि कौन है। जनक वाले जान रहे हैं कि बराती हैं, और बराती जान रहे खैराती हैं कौन है। चल रहे महाराज, हमारे हरि राम जी ने पहचाना तो सभी को मानसिक प्रणाम किया, और बरात चलते चलते मुख्य द्वार पे आई। सुनेना जी, जनक की नारी को साथ में लेके सुंदर आरती की थाली तैयार के मुख्य द्वार पे आई हैं। जैसे हमारे राम जी को देखा दुल्हा रूप में, जनकपुर की नारी बरबस कह उठी, क्या कह रही है। अरे माता कोसलिया रो लाल बनियो है बनड़ो, माता कोसलिया रो लाल बनियो है बनड़ो, के माता कोसलिया रो लाल बनियो है बनड़ो, माता कोसलिया रो लाल बनियो है बनड़ो, कि राजा दशरथ जी को लाल बनियो है बनड़ो, पाँव जा रे मेहंदी रे सोहे, हाथ पाँव जा रे मेहंदी रे सोहे, हाथ पाँव जा रे मेहंदी रे सोहे, हाथ
शीश पे जा रे पगड़ी रे सोहे, शीश पे जा रे पगड़ी रे सोहे, शीश पे जा रे पगड़ी रे सोहे, शीश पे जाके पगड़ी रे सोहे, जाके ऊपर तो लगियो है तो, जाके ऊपर तो लगियो है तो, माता को सलियारो लाल बनियो है बनड़ो, के ऊपर तो बाला को भंवरो, वाके ऊपर तो बाला को भंवरो, की माता को सलियारो लाल बनियो है बनड़ो, माता को सलियारो लाल बनियो है बनड़ो, की राजा दशरथ जी को लाल बनियो है बनड़ो, राजा दशरथ जी को लाल बनियो है बनड़ो। राम जी दूल्हा बने, श्वेत वर्ण के घोड़े पे सवार होके बारात जनकपुर के मुख्य रास्ते से चली। आकाश में सभी देवता आ गए। सबसे पहले भगवान शंकर ने राम जी को देखा। तुलसी बाबा बोले, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। आज शंकर को अपनी 15 आंखें प्रिय लग रही है, क्योंकि भोलेनाथ के 5 मुख है और 1 मुख पे 3 आंखें।